विवेक सर, मेरा बड़ा सवाल यहां पर ये है, एंड विच इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। आज यूएन की बैठक हो रही है, वीटो पावर रेस्ट विद चाइना एंड रशिया, लेकिन हम वो कुछ देखते ही नहीं है वहां पर कुछ हो पाएगा। फ्रांस और अमेरिका उसमें एविडेंसेस लेकर आने वाले हैं विवेक सर, लेकिन उन एविडेंसेस का फायदा क्या है? व्हेन द वीटो पावर इज विद देम, देन व्हाट इज द होल पर्पस सर ऑफ एंटायर यूएन मीटिंग? देखिए, इसको हमें समझने की बात है कि ये जो यूएन सिस्टम है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था 1945। उस वक्त ये तो सब मानते थे कि हर देश समान है, कि हर देश सॉवरेन है, लेकिन उसके साथ साथ निशान ये भी था कि पांच देशों की जो सामरिक व्यवस्था है और सामरिक हित, वो सर्वोपरि, और वो पांच देश हमें मालूम, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अब उस और यही विक्टर्स थे, यही जीते थे द्वितीय विश्व, आज तक वो सिस्टम चल रहा है। और एविडेंस इसलिए, जब भी ये पांच देशों का हित की बात आती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज हो जाता है, ये वास्तविकता। एब्सोल्युटली। तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है? उसका इस्तेमाल होता है प्रोपेगेंडा के लिए और दुनिया में पब्लिक ओपिनियन बनाने कि रूस को वो कटघड़े में खड़ा करना चाहते हैं कि साहब आप इल्जाम लगाएंगे कि आपने ये किया। अच्छा, आपने जो अभी कहा, वहां पर जो हम दृश्य देख रहे हैं, बशर्ते ये दृश्य जो है ये पश्चिम की मीडिया दिखा रही, लेकिन उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट मीडिया भी दिखा सकती है, आपके लोग भारत के पत्रकार भी वहां पर हैं, हमने दिखा, भी दिखा रहे हैं, हमने दिखा। लेकिन इन मामलों में दरअसल तो तभी पता चलता है, सही बात आती है अगर निष्पक्ष जांच हो। मुश्किल यह है कि ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाती। वैलिड पॉइंट ये भी है, सही है। Absolutely. तो ये दुनिया की रीत है, ये तो दुनिया अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दुख की बात है, लेकिन दुनिया की रीत है, तो ये इल्जाम प्रति इल्जाम चलते जाएंगे। आई टोटली एग्री विद यू सर, आई टोटली एग्री यू। यानी ये जो पॉइंट है, एक वैलिड पॉइंट है कि निष्पक्ष जांच कैसे कराई जाएगी, क्योंकि हर कोई स्टेक होल्डर है इन सम वे और द अदर, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट, आई बाय दिस ओपिनियन। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर, बूचा में हुए नरसंहार से रूस का साफ इनकार है, 400 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या से पलटा रशिया, बड़ी खबर। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी फौज के जाने के बाद साजिश हुई, ये बड़ी खबर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली रूस की झूठी पोल, ये भी बड़ी खबर है। रूसी फौज के कब्जे के वक्त ही कई लोगों की बेरहमी से हत्या हुई, ये भी जानकारी हमारे पास है। यहां पर बिग बॉल लेकर आ रहा हूं, और अभिषेक ने पॉइंट रेस किया था, जरा वैलिड पॉइंट है, सीधे प्ले ऑन करें, क्या हुआ और कैसे उसको। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल रात को इसको रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद डेली मेल ने इसको पिक किया, क्या क्या खबर है जरा ध्यान से देखें। बूचा नरसंहार से रूस का इनकार, सैटेलाइट तस्वीरों से ने रूस का झूठ पकड़ा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा कि बूचा नरसंहार के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है। ये वही साहब है जिन्होंने मैटरनिटी हॉस्पिटल में अटैक के बाद ये कहा था कि वो जो महिला है वो एक्ट्रेस है जिसकी मृत्यु हो गई उसके बच्चे के साथ। एनीवे, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी के फैक्ट चेक में सैटेलाइट तस्वीरें सही पाई गई हैं, लेट्स नॉट डिनाई दैट, नंबर वन। नेक्स्ट, चेंज करें, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने नरसंहार की तस्वीर को झूठ और फरेब बताया, फैक्ट चेक के लिए तस्वीरों के साथ लोकल वीडियोस को मिलाया गया है, यहां तक डिटेलिंग की गई है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। यहां पर रूस ने बयान जारी कर कहा किसी भी आम नागरिक के साथ हिंसा नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो ये जो बूचा का विजुअल आप नीचे देख रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज इट, ये हॉलीवुड का विजुअल है? नहीं, ये हॉलीवुड का विजुअल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरें रूसी फौज के जाने के पहले की हैं। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ शवों की तस्वीर उस वक्त ली गई जब बूचा रूस के कब्जे में था, एक बड़ा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट, चेंज करें, यह भी साफ हुआ है कि रूसी सैनिकों ने जाने से पहले कीव के बाहर बूचा में भीषण नरसंहार किया। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। यहां पर ये हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हर कोई मिस आउट कर रहा है वो ये है
कि ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जब उसमें से प्राण निकल जाते हैं कुछ घंटे के बाद वो स्टिफ हो जाती है, और फिर जब वो स्टिफ हो जाती है तो उसके कुछ घंटे के बाद वो बॉडी लूज होने लगती है और फिर डिकम्पोज होने लगती है। यहां पर बॉडीज डिकम्पोज हो रही हैं, जो कि बताता है कि ये घटना काफी पहले की है। ये एक और बड़ी बात है हमारे पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।